नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, जो आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, ये टॉपिक का जो बेस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है रिलेशन, क्या है रेंज, क्या है डोमेन, क्या है कोडोमेन, क्या है इमेज, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ताकि आप समझ सकें अच्छे से। कोई भी रिलेशन होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, रिलेशन ए का होगा बी से। जैसे मेरा रिलेशन आपके साथ है, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ है, आपका रिलेशन एक माँ के साथ है, आपका रिलेशन एक पापा के साथ है। सो जो ये रिलेशंस हैं उन्हीं को बस हम मैथमेटिकल जो रिलेशंस होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे और उनके जो नेम्स आएंगे हमारे पास, जो चीज़ें आएंगी उनको हम समझेंगे क्या है कौन सी चीज़। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से डिफाइन पर आता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो देखिए रिलेशन में सब में समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल पर आता हूँ। सपोज़ मैंने लिया आपके पास दो सेट है, क्योंकि कि कभी भी जो रिलेशन होगा दो चीज़ों के बीच में होगा, एक अकेले बंदे का कोई रिलेशन नहीं होता। मेरा आपके साथ रिलेशन है तो इट मीन्स हमें दो चीज़ चाहिए, एक मैं और एक आप। ऐसे ही ए सेट का बी से रिलेशन होगा, सो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, दो सेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो ए और बी, चलो सबसे पहले मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूँ जो हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया। सो ए और बी का क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ लिखा। ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये चीज़ तो आपको अच्छे से आती है, गॉट इट। देखिए मैं आपको पहले से लिखी हुई चीज़ें ताकि ज़्यादा टाइम आपका इधर वेस्ट ना हो समझने के लिए। अब मैं आपके सामने एक रिलेशन लेता हूँ, ये सपोज देखो क्या है, क्या कहता है रिलेशन हमारे पास। ये कहता है रिलेशन कि हमारे पास कि एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं और वो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू को, इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन है हमारे पास। वेयर एक्स जो एलिमेंट होगा इसमें, एक्स जो एलिमेंट होगा उस वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और जो वाई एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी से। गॉट इट। सो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स बिलोंग टू ए, सो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रिलेशन वन, यहाँ पर एक्स एलिमेंट क्या है, वन है। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, वन से। सो वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। वन पुट करो यहाँ पे, एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ए में कौन बैठा हुआ है, वन और टू। तो एक बारी हम एक पुट करेंगे फिर हम टू पुट करेंगे। सो वन पुट किया हमने तो वन प्लस टू हमें वाई मिला थ्री, वाई मिला थ्री, तो वन और थ्री। सिमिलरली टू पुट करो, क्योंकि यहाँ पर हमें टू पुट करना है, क्योंकि हमारे पास एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से। ए सेट में क्या है, वन और टू, तो वन पुट कर चुके हैं, टू पुट किया। टू पुट करने पे क्या मिला, टू और टू फोर, और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास एक्स में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है। अगर सपोज थ्री एलिमेंट होते तो थ्री थर्ड वैल्यू पुट करते और हमें अगली ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता। सो ये हमारे पास रिलेशन है और हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सो अब देखो रिलेशन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो भी पॉसिबल होंगे, बट रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए। पहली चीज़, क्या रिलेशन में सारे पेयर्स आ सकते हैं जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? यस, बिल्कुल आ सकते हैं। देखते हैं कैसे। मैं आपके सामने एक रिलेशन लेके आता हूँ, सेकेंड रिलेशन नंबर टू। ठीक है, रिलेशन नंबर टू क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। वो ये इस तरीके से कह रहा है कि रिलेशन टू सच दैट प्लेस इज एक्स वाई, एक्स वाई वेयर वाई जो है वो ग्रेटर देन एक्स होगा। समझो मेरी बात को, वाई हमारे पास ग्रेटर देन एक्स होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो रिलेशन टू है वाई, देखो इसमें देखो आप, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, एक्स। सेकेंड एलिमेंट कौन होगा, वाई। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। सो अब ये देखो थ्री जो है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे वाई लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स। क्या यहाँ पे वाई बड़ा है एक्स से, बिल्कुल। थ्री है यहाँ पर, यहाँ पर वन है, सो थ्री से बड़ा है वन, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा यहाँ पर। क्या फोर बड़ा है वन से, यस
वाई इज ग्रेटर देन एक्स, सो 1 4 भी आएगा. क्या 2 3 से बड़ा है? 3 2 से बड़ा है, यस, सो 2 3 भी आएगा. क्या 4 2 से बड़ा है? यस. ध्यान से देखो इस रिलेशन को. क्या मैं कह दूं इस रिलेशन में सारे पेयर्स वही आ रहे हैं जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? बिल्कुल. क्या कभी कोई भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ज़्यादा आ सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से? नहीं नहीं नहीं, इसमें और ऑर्डर्ड पेयर ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के तब समझेंगे इन चीज़ों को. सो इन सिंपली एंड शॉर्ट वे में क्या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी रिलेशन जो होगा, कोई भी रिलेशन होगा, वो सबसेट होगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ध्यान से देखो, रिलेशन 1 जो है इसमें हमारे पास 2 पेयर्स हैं और दोनों पेयर हमारे पास इसमें है 1 3 एंड 2 4. ये एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. रिलेशन 1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में. समझो, इसलिए एग्जांपल देके समझाया मैंने ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए पहले ही. क्या रिलेशन 2 में कह दो कि ये सबसेट है इसका? यस, सेम है बिल्कुल. तो रिलेशन 2 हमारे पास क्या हो गया? सबसेट हो गया. किसका? ए क्रॉस बी का और कार्टेशियन प्रोडक्ट का. समझ गए चीज़ों को? सो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, रिलेशन हमारे पास कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. रिलेशन हमारे पास 5 भी हो सकता है, 5 मीन्स एम्प्टी भी हो सकता है. ठीक है, समझेंगे उन चीज़ों को बाद में. सो अभी मैं आपको देखो डेफिनेशन पर पहुँचते हैं. क्या डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास? ये डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेशन की. देखिए, अब देखिए आप लोग, रिलेशन इज वॉट? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए. जो हमारे पास सेट ए था वो हमारे पास क्या था? 1 और 2 था. टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, और बी भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था 3 एंड 4. बिल्कुल. इज ए सबसेट ऑफ दिस वर्ड, प्लीज अंडरलाइन दैट, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने अभी भी देखा कि जो रिलेशन हमारे पास था, जो रिलेशन हमारे पास था, वो हमारे पास सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का. ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि जो रिलेशन 2 था वो हमारे पास सबसेट था ए क्रॉस बी का. वही बात इसने बोल दी यहाँ पर कि आपके पास कोई भी रिलेशन हो, एम नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास, ए और बी नॉन एम्प्टी, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद डेफिनेशन. अब इसके बाद क्या बोलता है? द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. समझो, जो सबसेट हैं हमारे पास, इनमें जो रिलेशंस होगा वो फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट ए सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट से भी बिलोंग करेगा. ये रिलेशनशिप है. इसमें देखो, ये जो रिलेशन था हमारे पास, जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, जो वाई एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है. दिस वन इज ए सबसेट दिस, ये कहूँ या फिर ये बात कहूँ, दोनों चीज़ें बराबर हैं. सो जो रिलेशन है, जो ये सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ये हमारे पास एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है किस और किस के बीच में? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में. किसके बीच में? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप कवर कर रहा है. कौन? ये सबसेट किसका है? इसका. समझ में आ रही सारी चीज़ें? डेफिनेशन को अच्छे से दोबारा पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा. इज ए सबसेट ऑफ कार्ट रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई. अब देखो, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन नंबर कुछ भी दे देते हैं. चलो देखो, अब सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है, उसमें हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, उस ऑर्डर्ड पेयर में जैसे हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर है. ऐसे ही सपोज कोई रिलेशन निकल के आया हमारे पास और उसमें हमारे पास ये है. सो जो सेकंड एलिमेंट होगा, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि जो 3 है ना, वो इमेज है किसका? 2 का. 3 इज इमेज ऑफ 2.
समझ पा रहे हैं बात को, ये बोला जाता है थ्री इज इमेज ऑफ टू, कभी भी क्वेश्चन में आएगा आपके पास, बताइए कौन सा किसकी इमेज है, ये है इमेज किसकी, इसकी। सो टू क्या है, टू हमारे पास प्री इमेज है किसकी, थ्री की, ये इसकी प्री इमेज है और ये इसकी इमेज है। सो आप इन बातों को याद रखेंगे, ठीक है, इमेज है इसकी टू की, ठीक है। सो आपको रिलेशन डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए हमारे पास डोमेन क्या है, हमारे पास रेंज क्या है, हमारे पास को डोमेन क्या है। सो हम बात करते हैं पहले डोमेन की। देखो डोमेन क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, इतना ही काफ़ी है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सिर्फ इतना सफिशियंट है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर, इन ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट हमारे पास टू एंड थ्री है, या फिर मैं अभी बात करता हूँ जो हमारे पास, चलो हम इसी की बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक रिलेशन है जिसमें टू एंड थ्री हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, सो इसमें हमारे पास कौन है, कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ टू है। सो क्या मैं कह दूँ दिस इज़ द डोमेन, सिर्फ यही डोमेन होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ यही है। अच्छा इसमें बात करते हैं, इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, वन वन टू टू, तो वन वन दो बार आ रहा है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। सो कौन होगा, वन एंड टू, गॉट इट। या फिर आप इसको और बेटर तरीके से लिखिएगा, आप एक काम कीजिए, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा वन एंड टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ब्रैकेट में लग, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो। सो इसको हटा दीजिए आप। सो डोमेन क्या हुआ, वन एंड टू, इस रिलेशन का जो डोमेन हुआ वो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को देखना हमें, बस फर्स्ट एलिमेंट वन है, वन है, टू है, टू है, रिपीट तो करेंगे नहीं, वन और वन को दो बार लिखेंगे, नहीं, टू और टू को एक बार लिखना है, वन और वन को एक बार लिखना है। सो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर, इन ए रिलेशन आर, ये कोई भी रिलेशन है जिसका सेट, सपोज हमारे पास ये आ रहा है, फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। समझ में आ गया। सो अब हम कवर करेंगे रेंज, व्हाट इज रेंज। देखिए रेंज हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे ना, जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे उनके सेट्स को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। डोमेन फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को, रेंज सेकेंड एलिमेंट के सेट को, इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। सो पहले हम रेंज ही देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है ये टू थ्री, सपोज, ठीक है, इस टू थ्री में हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है वो कौन सा है, थ्री है, कौन है, थ्री है। सो आप कैसे लिखेंगे रेंज को, आप लिखेंगे इस प्रकार, सिर्फ थ्री लिखा आपने और ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया, किसका, इस रिलेशन का। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज, द होल सेट बी, कंप्लीट जो सेट होगा, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास सिर्फ सेकेंड एलिमेंट के सेट का है, और सेकेंड एलिमेंट कौन से, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेकेंड एलिमेंट। कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी, सेट बी कौन था, थ्री एंड फोर, पीछे जो हमारे पास था थ्री एंड फोर। सो क्या मैं कह दूं कि जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन होगा, मैं पीछे वाला एग्जांपल अगर ले लूं, सो थ्री एंड फोर हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। समझ में आ रही चीज, रेंज सिर्फ इसको देख के लिखा जाएगा, कोडोमेन जो हमारे पास सेट बी होगा, जो हमने गिवन एग्जांपल लिया। सपोज हमारे पास जो रिलेशन टू है उसके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ ऐसे हैं, अब इसके लिए रेंज कौन होगा, क्या होगी रेंज सेकेंड एलिमेंट्स का, थ्री फोर थ्री फोर, थ्री फोर को दो बार लिखेंगे नहीं तो एक बार लिखेंगे थ्री एंड फोर। कोडोमेन क्या हो जाएगा, थ्री एंड फोर, क्योंकि सेकेंड सेट बी हमारे पास थ्री एंड फोर का ही था, तो कोडोमेन क्या हो गया, ये हो गया। सो डिफरेंस समझो, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, कोडोमेन होल सेट बी, तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, ध्यान समझना। सो इस बात से क्या मैं कह दूँ कि जो रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन होगा,
सबसेट, कोडोमेन का सबसेट। कैसे, क्या रेंज, देखो सेकंड एलिमेंट से ही निकल के आ रहा है, कोडोमेन भी सेकंड एलिमेंट से ही है, बट कोडोमेन हमेशा पूरा सेट होगा, उस सेट में से कुछ एलिमेंट्स रेंज में होंगे या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। सो कुछ भी कर लो आप, रेंज हमेशा सबसेट ही रहेगा कोडोमेन का। जैसे इस केस में देख लो, थ्री इज ए सबसेट ऑफ दिस, थ्री एंड फोर, यस। थ्री फोर इज ए सबसेट ऑफ थ्री एंड फोर, यस। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, गॉट इट। ये हमारे पास रेंज और कोडोमेन की कहानी थी। अब हम बात करते हैं एरो डायग्राम की। देखो एरो डायग्राम क्या कहता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हम पहले बना भी चुके हैं तो समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। मैं कहूँ कि रिलेशन हमारे पास ए टू बी है, क्या है रिलेशन, ए से बी के साथ क्या रिलेशन है, उसको हमें सपोज रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से। वन का रिलेशन हमारे पास, जैसे मैं आपके साथ एक इक्वेशन रख देता हूँ आपके साथ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, और एक्स हमारे पास सपोज वन है। सो वन रखा तो हमारे पास क्या होगा, थ्री, और टू रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फोर। यस और नो, यस। सो वन का रिलेशन क्या है हमारे पास, थ्री है, और टू का रिलेशन हमारे पास क्या है, फोर के साथ। सिंपल, यही बनाना है बस, और कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि इस ऑर्डर पीरियड में हमारे पास यही सेट बन रहा है, ठीक है। जैसे रिलेशन अगर टू की बात करें हम, रिलेशन नंबर टू जो हमारे पास ये था, आपको दिख भी रहा ऊपर, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर सेट ए था, यहाँ पर सेट बी था, वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ, टू का थ्री के साथ, और टू का फोर के साथ। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर्स, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर्स। सो जो हमारे पास पेयर होगा उस पर्टिकुलर पेयर को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एरो होगा हमेशा ए सेट से बी सेट की तरफ जाएगा, कभी भी एरो इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एरो डायग्राम। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देखो सपोज करो हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसमें जो सेट ए है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे, सपोज पी है, जैसे हमारे पास इसमें टू थे, वन और टू। जो सेट बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज हमारे पास क्यू है, जैसे थ्री एंड फोर, मीन्स दो थे। सो जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ए सेट से बी सेट तक, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, टू टू द पावर पी क्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ, टू टू द पावर पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दो थी, वन और टू। समझ में आ रही चीज़ क्या कह रहा हूँ, जो सेट ए था वन एंड टू, एंड जो सेट बी था थ्री एंड फोर। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। क्यू की कितनी वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इन सेट बी टू एलिमेंट्स, सो टू इंटू टू, दैट इज टू टू द पावर फोर, दैट इज सिक्सटीन रिलेशंस आर पॉसिबल। 16 ही रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास, सिर्फ 16। समझ में आ रही चीज, ओनली 16 रिलेशंस आर पॉसिबल विद दीज टू सेट्स। और रिलेशन हमारे पास, देखो समझ में आई चीज, और रिलेशन हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। सो आपको चीज समझ में आ गई होगी चीज़ें, कि रिलेशन हमारे पास सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो इमेज सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम इमेज बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट का, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इस प्रकार हम इसको डिनोट कर सकते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, कोडोमेन इज द होल सेट टू बी, एंड एरो डायग्राम आप अच्छे से जानते हैं, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या होगा, टू टू द पावर पी एंड क्यू, ठीक है। अगर आप कोई नोट्स देखो अगर चाहिए होते हैं तो आप टेलीग्राम पर पाइथन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो सारे नोट्स आपके मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है तो उसके सारे नोट्स उस ग्रुप पर हैं पीडीएफ के फॉर्म में, सो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो होप सो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।